सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूज चैनल को और सबसे पहले न्यूज पाने के लिए घंटे को जरूर दबाएं, ये बिल्कुल फ्री है। जीप इंडिया ने भारत में ट्रेल हॉक की बुकिंग शुरू कर दी है तथा जल्द ही इसे लॉन्च किया जाना है। कंपनी इसके बाद रेंगुलर रूबिकॉन की तैयारी कर रही है। इसे हाल ही में टेस्टिंग के दौरान भारत में देखा गया है। नई जीप रेंगुलर रूबिकॉन को इससे पहले भी देखा जा चुका है, लेकिन इस समय हाईवे पर पूरे लोड के साथ टेस्टिंग करते देखा गया है। माना जा रहा है कि यह टेस्ट इसके इंजन और स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। कंपनी नई जीप रेंगुलर रूबिकॉन को भारत में साल के अंत तक लॉन्च कर सकती है। वर्तमान में ये एसयूवी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेची जा रही है। इसमें दो पेट्रोल और दो डीजल वर्जन शामिल है। भारत में इसे 3 लीटर V6 पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ लाया जाएगा। इसके साथ ही इस एसयूवी के इंजन के नए BS6 उत्सर्ग मान के अनुसार तैयार किया जाएगा। वर्तमान में भारत में जीप रैंगलर 2.8 लीटर डीजल और 3.6 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ बेची जा रही है। डीजल इंजन 200 PS और 460 Nm का टॉर्क तथा पेट्रोल इंजन 280 PS और 340 Nm का टॉर्क प्रदान करता है। वैसे ही नई जीप रैंगलर रूबिकॉन को किस ट्रांसमिशन विकल्प के साथ लाया जाएगा इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 6 स्पीड ऑटोमेटिक और 8 स्पीड ऑटोमेटिक के विकल्प साथ आती है। सामने आई नई तस्वीरों से इसके डिज़ाइन के बारे में पता चलता है। नई जीप रैंगलर रूबिकॉन में पूरे मॉडल की ही तरह 7 स्लैग ग्रिल और क्लासिक राउंड हेडलैम्प्स लगाए गए हैं। इसके DRL और आकर्षक बम्पर इस SUV को दमदार लुक देते हैं। इसके साथ ही बॉक्स वाला डिज़ाइन और बड़े टायर लगाए गए हैं। पिछले हिस्से की बात करें तो नई जीप रैंगलर रूबिकॉन में नए LED टेल लैंप्स लगाए गए हैं तथा टेल गेट पर स्पेयर टायर का भी उपयोग किया गया है। हालांकि इसके इंटीरियर के बारे में अधिक पता नहीं चल पाया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसके अंतर्राष्ट्रीय वर्जन की ही तरह ये इसका इंटीरियर भी रखा जाएगा। नई जीप रैंगलर रूबिकॉन में एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के सपोर्ट के साथ 8.4 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा। इसके साथ ही नए जनरेशन में इस SUV में कई नए फीचर्स और उपकरण भी जोड़े जा सकते हैं। जीप रैंगलर रूबिकॉन को साल के अंत तक भारतीय बाजार में उतार दिया जाएगा। तो इसे टेस्टिंग के दौरान भी देखा जा चुका है। तो दोस्तों, आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये जीप की नई SUV कार कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। तो आज के लाइक का टारगेट रखते हम 950 लाइक का। तो जल्द से जल्द इस 950 लाइक के टारगेट को पूरा कर दीजिए। आपका एक लाइक मेरी बहुत हेल्प कर रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को आम आदमी के लिए शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।